आई सपोर्ट तेज प्रताप यादव, जितने भी व्यूवर्स इसको देखने का काम कर रहे हैं, काफ़ी लंबा समय आपका और मेरा, मैं आज फिर आपके सामने मैं लाइव पे आ गया हूँ। और जितने भी व्यूवर्स हैं जो अभी शाम के समय में सोशल मीडिया या लगातार सोशल मीडिया पे बने रहते हैं, तमाम व्यूवर्स को मैं तेज प्रताप यादव, आई सपोर्ट तेज प्रताप यादव की तरफ से ढेर सारा अभिनंदन, प्यार और स्वागत मैं करने का काम करता हूँ। आप देख रहे हैं लगातार हमारा कार्यक्रम शुरू हो चुका है, बिहार के हालात को लेकर के किस तरीके से पूरे बिहार में जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा, ये जो सरकार जो पिछले इतने सालों से जो काम कर रही है बिहार में, और जो अभी अभी जो खबर मिला कि जो तीन राज्यों में जो चुनाव हुआ उसमें किस तरीके से कांग्रेस ने और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में किस तरीके से जीतने का काम हुआ, उसी तरीके से बिहार में भी आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का मार्गदर्शन हम और तेजस्वी जी दोनों के ऊपर, जिस तरीके से भगवान का आशीर्वाद रहता है भक्तों पर, उसी तरीके से मेरे पिता का आशीर्वाद लेकर के मैं इस राजनीति में मैं फिर से कदम रखा हूँ। और हम कार्यक्रम लगा रहे हैं, लगातार हमारा कार्यक्रम लड़कों से मिलना जुलना, उनकी समस्याओं को निदान करना, समस्या को सुनना, लगातार हम बने हुए हैं। और कुछ चंद मीडिया के लोग हैं जो हमको बदनाम करने पे लगे हुए हैं, वो आरएसएस भाजपा मीडिया वाले लोग, मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस तरीके का हथकंडा ना अपनाएं, क्योंकि हमारा जो जनता दरबार जो हम लगाने जा रहे हैं उस पर भी कमेंटबाजी किया कि दोनों भाई में दरार हो रहा। एक नेता, एक प्रतिनिधि होने के माध्यम से मैं ये जनता दरबार लगाने जा रहा हूँ, और इस पर आप लोगों की फट रही है तो पूरे तरीके से फटे, हमको और जलने वालों को और जलाने का काम करना है। हमको आप लोग के बहकावे में नहीं आना है, हमें जनता को देखना है। क्या अभी मीडिया वालों को जंगल राज नहीं दिख रहा है? किस तरीके से रोज हत्या, रोज बलात्कार, रोज का ये तांडव जो मच रहा है वो चीज़ नहीं दिख रहा है? निर्दोष लोगों के ऊपर लाठीचार्ज होता है, लड़कों को पिटवाया जाता है, छात्रों को पिटवाया जाता है, नौजवानों को पिटवाया जा रहा है, महिलाओं को, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आधा रात में महिला नहीं निकल सकती, सुरक्षित नहीं है। आप देख लीजिए चारों तरफ पूरा हाहाकार मचा हुआ, पूरा मर्डर, लूट, बलात्कार तमाम जगह पूरा बिहार में फैला हुआ। और यहाँ तक कि नीतीश कुमार जी या आप देख लीजिए जो सरकार है, ये बोलती कि बिहार में शराब बंद है। बिहार में शराब कहाँ बंद है? चारों तरफ होम डिलीवरी हो रहा है, यहाँ तक कि प्रशासन के द्वारा शराब का वितरण हो रहा है, लोग शराब पी रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, तो ये सब चीज़ टांडो मचा हुआ है पूरे बिहार में। तो इस पर इसको उखाड़ फेंकने के लिए पूरी जनता और आप लोग जो फेसबुक पे बने हुए हैं, जितने भाई लोग हैं, जितने लोग हैं व्यूवर्स हैं, जितने लोग देखते हैं इसको, यह हमारा कार्यक्रम जहाँ जहाँ पूरे बिहार में लगता है उसको आप लोग देखने का काम करते हैं, तो आप देखिए कि पूरे बिहार में किस तरीके से दमकडोल की स्थिति बनी हुई है। किस तरीके से बोलते हैं कि सुशासन है, सुशासन के पीछे क्या चाह रहा है? सुशासन के पीछे लूट है, हत्या है, बलात्कार है, अपहरण है, धांधली है, फिर से घोटाला पे घोटाला हो रहा है, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से फेल्यूअर है। सुशासन का सरकार, सुशासन का साम्राज्य, ये बोलने से नहीं होगा, ये लोगों को दिखना चाहिए, लोगों के बीच में दिखना चाहिए ये चीज़। लेकिन चारों तरफ आप देख लीजिए हर एक जगह से इस बार इनका 19-20 में इनका पूरा पत्ता साफ होने जा रहा है, पूरे तरीके से इनका पत्ता साफ हो जाएगा। ये कहीं के नहीं रहेंगे, न घाट के रहेंगे न घर के रहेंगे, चारों तरफ से इनका पत्ता साफ हो रहा है। जितने भी व्यूवर्स हैं आई सपोर्ट तेज प्रताप यादव को, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने का काम कीजिए। मैं तेज प्रताप यादव
मैं विदा लेता हूँ। फिर अगला बार इसी तरीके का कोई पॉलिटिकल टॉपिक होगा, मैं आपसे डिस्कस करने का काम करूँगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।